क्या कहें ओ भाई, इन्होंने एकदम से वक्त बदल दिया जज्बात। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी मैं एक डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, आपको गुड़गांव पहुँच के बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी मेट्रो में मास्क भी लगा रखा है मैंने और मेट्रो में ज़्यादा कैमरा चला भी नहीं सकता, तो मैं उतर के मिलता हूँ गुड़गांव में जहाँ मैं बस पकड़ने वाला हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ। ठीक है, मिलते हैं आपको बाद में। सो गाइस मेट्रो से उतर गया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं इफ्को चौक की तरफ जयपुर वाली बस पकड़ने के लिए। हाँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, वहाँ मुझे कुछ काम है, उसके बाद आगे भी जाना है जयपुर से आगे भी, वो देखता हूँ आज जाऊँगा या कल जाऊँगा। आज तो नहीं जा पाऊँगा, वैसे कल ही जाऊँगा और आगे आपको अपडेट बता देंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। अगर वो काम हो जाता है तो आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी पकड़ते हैं ऑटो। टाइम हो रहा है 12:45, जयपुर की बस में बैठ चुका हूँ और ये राजस्थान रोडवेज की बस है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सामने लग रहा है जाम रोड पे, हम जा रहे हैं रॉन्ग साइड में, दोबारा से अपनी साइड पे जा रहे हैं डिवाइडर क्रॉस करके। बस अभी रुकी है होटल पे, अभी मैं हूँ शाहजहाँपुर, हरियाणा बॉर्डर हमने क्रॉस करा है। आपने पीछे किसानों का आंदोलन तो देखा, बहुत ज्यादा रोड जाम है, किसान रोड पे बैठे हैं अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट पता नहीं कब होगी। पर जाम बहुत ज्यादा था, बड़े हैवी व्हीकल नहीं निकलने दे रहा है, कोई भी ट्रक व्रक नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, बस एक पर्सनल व्हीकल जा रहे हैं और बसें जा रही हैं, वो भी गवर्नमेंट बसें जा रही हैं, प्राइवेट वो भी नहीं जा रही। तो बहुत बुरा हाल है, रोड तो बहुत जाम है, पर ये है आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके निकल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जाने दिया जा रहा हो, आप पर्सनल जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, बट बड़े व्हीकल ट्रक वगैरह नहीं जा रहे। तो टाइम हो रहा है 2:35, टेम्परेचर है राइट नाउ 20°C, धूप अच्छी निकल रही है बट गर्मी बहुत ही ज्यादा लग रही है यार। सेविंग वगैरह भी करानी है, मतलब खत भी कराना है मुझे, जयपुर जाके कराऊंगा वो। और अभी 2.5 घंटे का और सफर रह गया, 165 किलोमीटर दूर हो रहे हैं यहाँ से अभी जयपुर। पीछे मेरे लोकेशन बहुत अच्छी सी है, पर यार यहाँ के जो ये बस वाले रोकते हैं ना आके, गवर्नमेंट बस वाले आके कहीं किसी भी ढाबे पर रोकते हैं, वहाँ तो ना तो वॉशरूम अच्छे होते हैं और ना ढाबा अच्छा होता है और ना कुछ ओरिजिनल चीज मिलती है। समझ रहे हो, ओरिजिनल चीज मतलब कि कोई नमकीन बिस्कुट आपको कुछ ओरिजिनल मिलेगा नहीं, सब लोकल मिलेगा। सो इसलिए अपना लाओ अपना खाओ। हाईवे बिल्कुल खाली है, बस एक दो गाड़ी निकल रही है, वैसे पूरा हाईवे खाली है। हमारी बस का बस ड्राइवर बहुत अच्छा है, तेज चला रहा है, टाइम से पहुँचा देगा। कहीं अगर जाम भी लगता है तो डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड पर जाके फिर वहाँ से फिर वो जाम क्लियर करके फिर अपनी साइड पर आ जाता है, तो अच्छा है, कहीं हम जाम में नहीं फंसेंगे। अभी 2.5 घंटा और लगेगा जयपुर पहुंचने में। जयपुर पहुंचने के बाद मुझे मिलेगा अर्चित, अर्चित के साथ स्टे करूंगा, उसके बाद हम प्लान बनाएंगे कल जाना है या परसों जाना है, जहां हमें जाना है किसी काम। वो काम अगर कंप्लीट हो गया तो मैं आपको बता दूंगा इससे अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में। आपकी यात्रा मंगल में हो। ब्रेक इज ओवर। तो मेरे साथ सफ़र कर रहा है राहुल, राहुल गुड़गांव से बैठा था, कहाँ जा रहे हो? पावटा जा रहा है भाई, भाई भी अकेले सफ़र कर रहा है, इतनी छोटी थी उम्र में, 7th क्लास में भी जा रहा पावटा अपने घर, हम जा रहे हैं अपने दोस्त के पास। तो गाइस जयपुर आ गया हूँ मैं, बस से उतर गया हूँ, 5:30 बजे बस से उतर गया और अभी जा रहा हूँ अर्चित के पास। अर्चित मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जहाँ से बस ने उतारा है मुझे वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है उसका ऑफिस, तो पहले उसके ऑफिस में जाऊँगा और उसके बाद घर पर जाएंगे। सांस फूल रही है, पैदल चल रहा हूँ ना, और खूबसूरत है जयपुर। जयपुर में आते ही खूबसूरती के नज़ारे, कितनी साफ सफाई है यार यहाँ। और यहाँ पर है सवाई मानसिंह स्टेडियम, क्रिकेट का स्टेडियम, और मुझे जाना है इधर अभी। ये फूलों वाली बिल्डिंग, जब इसमें लाइटिंग जलेगी तो बहुत खूबसूरत लगती है, चारों तरफ ऐसी है और अलग अलग कलर की इसमें लाइटिंग जलती है। आ गया पंडित का। तो अर्चित घर कुछ ऐसा है, इसे बोलते हैं डाइनिंग हॉल। अर्चित वहाँ कंगा कर रहा है, ये इसका रसोई देखो भाई, छड़े तो ऐसे रहते हैं, मैसी मैसी हुआ पड़ा है घर में। ये इसका बेडरूम है,
और ये इसके गेस्ट रूम है, मेरा नहीं है लेकिन मैं यहीं सोने वाला हूँ। टाइम हो रहा है 8:10 और टेम्परेचर है यहाँ का 14°C। खाना वाना ले आए हैं हम होटल से ही, वो खाएंगे और फिर आपको सुबह मिलेंगे। तो रात में कुछ करने को है नहीं, यहाँ आराम से चिल करेंगे, बातें करेंगे, अच्छे से कुछ बातें करेंगे, खाना खाएंगे, सुबह सो जाएंगे, गाने बजाएंगे। और स्पीकर दिखाया जाए, स्पीकर कितना तगड़ा है हमारे पास, ये देखो बोट देख रहे हो, मेरे हाथ के साइज का देखो कितना बड़ा है ये, कैमरे में नहीं पता पड़ेगा। तो आपको मिलते हैं सीधा सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। सुबह के बज रहे हैं 10:20 और आज है 29 जनवरी। नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं, बस अब यहाँ से जा रहे हैं अर्चित के ऑफिस। ऑफिस में अर्चित अपना काम निपटाएगा, मैं भी अपना थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लूंगा। तो बहुत तेज हो रही है यहाँ, इनर पहन रखा है क्योंकि बैग में जगह नहीं, इनर पहनना जरूरी है अभी, नहीं तो बैग में रख लेता। आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही होगी क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ, बाहर सब हैं, यहाँ तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी सुबह बहुत अच्छी हुई है, अर्चित भी रेडी हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। जयपुर में जब भी आऊँगा तो इंशाल्लाह ये जरूर मिलेगा। नहीं, है। तो पीछे वाला हेलमेट भी यहाँ कंपलसरी है और मास्क रही, और जगह जगह पर यहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो इसलिए मैं अपना हेलमेट लगा लेता हूँ पहले। कैमरा बंद करके लगाना पड़ेगा। ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पे बहुत सारे लेपर्ड है। जालाना डूंगरी नाम है इस जगह का, पहाड़ी का। देखो मास्क के साथ हेलमेट लगाने की डिसएडवांटेज, मैं जैसे हेलमेट उतारूंगा मास्क भी उतरेगा मेरा, आज नहीं उतरा यार। कैमरे के आगे बेइज्जती, बाल खराब हो गए। मिलते हैं आप अर्चित के ऑफिस से। बहुत सारे नज़ारे दिखाई देते हैं, यहाँ सामने विधानसभा, यहाँ है सवाई मानसिंह स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, ये विधानसभा, ये सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो लाइटें लग रही हैं, और पीछे दूर आपको कैमरे में दिखाई नहीं देगा नाहरगढ़ का किला। आज थोड़ा फोगी फोगी है, क्लियर नहीं है, रात में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं अभी घूमने के सिलसिले से नहीं आया हूँ, मैं किसी काम से आया हूँ इसलिए यहाँ घूम नहीं रहा हूँ। अभी जब भी आऊंगा घूमने बाइक से आऊंगा, अभी तो बाइक लेके नहीं आया हूँ मैं। अभी मैं डाटा ट्रांसफर कर लेता हूँ लैपटॉप में। अभी टाइम हो रहा है 12:35 और अभी मैं डाटा ट्रांसफर कर लेता हूँ। बस अर्चित अपना कुछ काम खत्म कर रहा है, लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलेंगे जहाँ हमें जाना है। कल मैंने शायद आपको बताया भी था, नहीं बताया होगा तो आगे पता चल जाएगा। अर्चित बैठा है अपनी ऑफिस टेबल पे, अच्छा ऑफिस है। तो लास्ट वीडियो पे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आर 100 1947 में बंद हो गई थी। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो। ये जो 2002 मॉडल है, ये RX 135 है, यामा RX 135। इसे हमने RX 100 करवाया था, कुछ हेड वगैरह चेंज करा और कार्बोरेटर वगैरह चेंज करा के और सेलेंसर वगैरह, मतलब बहुत सारे चेंजेस कराए थे जब जाके वो RX 100 बनी थी। और गांव से मैं आ गया था 16 जनवरी को। मैं डाटा ट्रांसफर कर लेता हूँ, उसके बाद हमें आगे निकलना है तो स्पेस भी चाहिए। कोई शब्द नहीं है, क्या कहें। ओ भाई, इन्होंने एकदम से वक्त बदल दिया जज्बात। सही में, जिस लिए मैं आया था, जिस प्लान से मैं आया था, वो प्लान हो ही नहीं, सक्सेस ही नहीं हुआ, खत्म, वो डील ही टूट गई, खत्म हो गई। ओके, पर मेरे साथ गलत हुआ। अब मैं वापस जा रहा हूँ। 2:52 हो चुके हैं और मेरी ट्रेन है गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन से। कितने बजे की है? 3:45। अभी लंच भी करना है हमें, हमारे पास आधा घंटा है बस, और जाना भी है मुझे गांधीनगर स्टेशन में पहुंचना है। डील कैंसिल हो गई यार, तो इस बंदे की वजह से मेरी डील खराब हुई है। वो क्या कहोगे अपनी डील के बारे में, जो तो आप डील करवाने वाले थे वो डील नहीं हुई, ये बात भी है। सडनली ट्रेन करी क्योंकि जो डील करने आए थे वो हुई नहीं, उसका मना हो गया, उसने मना कर दिया। चलो ठीक है, फिर अब रुक के गए, अभी क्या करते। चलो मैं लंच कर लेता हूँ, लंच करके पहुँचता हूँ, आपको स्टेशन में मिलता हूँ। लंच कर लिया और मैं बैठ गया ऑटो में। 3:18 हो गए और 3:43 की मेरी ट्रेन है। सो ट्रेन में बैठ गया हूँ, ट्रेन आ गई थी अपने राइट टाइम पे, और बाहर का जो व्यू है बहुत अच्छा है। सो गाइज, ये वीडियो डालने का मेरा मन नहीं था, बट मैंने सोचा एक वीडियो है डाल देता हूँ, जब जयपुर तक आया हूँ और वीडियो बनाए भी तो डाल देता हूँ। बट इस वीडियो को देख के आपको लगा होगा ये क्यों आया और क्यों चला गया एकदम सडनली, ये आगे कहीं जाने वाला था, तो मैं आगे कहीं जाने वाला था फिर मैं गया नहीं क्योंकि मेरी डील कैंसिल हो गई। आने वाली किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा कि मैं जयपुर क्यों आया था और आगे कहां जाने वाला था और कौन सी डील थी जो कैंसिल हो गई, जिस वजह से मुझे सडनली दिल्ली वापस आना पड़ा। क्लोजअप मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा छुपाना पड़ रहा है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बेकिंग पार्ट ऑफ डे, आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो कर रहे हो ड्रीम्स।